हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो बीएड स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में हम इंटर्नशिप के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंटर्नशिप से रिलेटेड आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो वीडियो फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। और गाइस, जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंटर्नशिप पे जाते टाइम हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के कॉलेज के थ्रू आप लोगों को एक लेटर मिलता है इंटर्नशिप का। उस लेटर को आप लोगों को उस स्कूल में सबमिट करना है जहां पर आप लोगों को इंटर्नशिप करनी है। जब आप उस लेटर को स्कूल में सबमिट करेंगे, तब आपको उस स्कूल में ये बता देना है कि आप लोगों को लास्ट में उस स्कूल के लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने इस स्कूल में इंटर्नशिप की है, कितने से कितने टाइम तक की है। और उस सर्टिफिकेट पे आप लोगों को उस स्कूल की स्टैम्प और प्रिंसिपल के साइन चाहिए हैं। ये सब आपको उन्हें पहले ही बता देना है, जिससे कि वो इंटर्नशिप के खत्म होने के टाइम पर आप लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट पहले से ही प्रिपेयर कर रख दे। ठीक है, फिर आप लोग अपने 4 महीने की इंटर्नशिप करते हैं और लास्ट में फिर स्कूल आपको ये सर्टिफिकेट दे देता है, जो आपको अपने कॉलेज में आके सबमिट कर देना है। ये सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, ये नॉर्मल प्रोसेस था इंटर्नशिप का, और इंटर्नशिप के दौरान ही आप लोगों को अपनी इंटर्नशिप से रिलेटेड फाइल भी फिल करते जाना है। अब गाइज, बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो कि इंटर्नशिप नहीं करते हैं। अब चाहे उनका रीज़न कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइज, आप लोगों को ये लास्ट में जो सर्टिफिकेट हमें इस कॉलेज में जाके सबमिट करना है, ये तो देना ही देना पड़ता है। चाहे आपने इंटर्नशिप करी हो या ना करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज वालों को कोई मतलब नहीं है कि आपने इंटर्नशिप की है या नहीं की है। उन लोगों को सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, एक तो सर्टिफिकेट से और दूसरा आप लोगों की इंटर्नशिप फाइल से। आपने इंटर्नशिप करी है नहीं करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। ये 2 चीजें उन्हें कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस स्कूल से आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उस स्कूल के लेटर हेड पे सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, वही सर्टिफिकेट होता है। अलग से और कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। इस सर्टिफिकेट में लिखा क्या होता है? इस सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके फादर का नेम लिखा होता है, और साथ में ये लिखा होता है कि आपने उस स्कूल में इतने से इतने टाइम तक इंटर्नशिप की है। 2-4 लाइन आपके बारे में अच्छी अच्छी लिखी होती हैं। आप लोगों को बेस्ट विशेस दी जाती है आपके फ्यूचर के लिए, और उस स्कूल की स्टैम्प वहाँ पर चाहिए, उस स्कूल के प्रिंसिपल का साइन भी वहाँ पर चाहिए होता है, और कुछ उस सर्टिफिकेट पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों ने इंटर्नशिप नहीं की है, वो कहाँ से लाए ये सर्टिफिकेट? क्योंकि जो लोग इंटर्नशिप करते हैं, उनको तो ये सर्टिफिकेट आराम से मिल ही जाता है, उनको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। तो गाइस, जिन बच्चों ने इंटर्नशिप नहीं की है, उन लोगों को ये सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो पैसे देकर बनवाएं या फिर अपनी कोई सोर्स यूज़ कर बनवाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैटर है तो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट का, वो कॉलेज में सबमिट होना ज़रूरी है। जब आप वो सर्टिफिकेट बनवाएं, तो वहाँ पर नवंबर टू फरवरी तक की इंटर्नशिप दिखाना, या फिर आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट से पता कर लेना कि आपके कॉलेज में इंटर्नशिप पे कब आपको भेजा गया था, वो वाला टाइम आप इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट में डलवा लीजिएगा। और गाइस, बच्चों को ये भी डाउट है कि जब उन्होंने इंटर्नशिप की नहीं है और इस साल इंटर्नशिप इतने अच्छे से हुई भी नहीं है, तो फिर हम फाइल कैसे बनाएं, फाइल कैसे प्रिपेयर करें? तो गाइस, आपने इंटर्नशिप की हो या नहीं की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइल तो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फाइल प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर्नशिप की फाइल से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, आप लोग उनको देख सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सर्टिफिकेट है, वो किसी हाईफाई स्कूल से बनवाना ज़रूरी है या किसी भी नॉर्मल स्कूल से बनवा सकते हैं? तो आप ये किसी भी नॉर्मल स्कूल से बनवा सकते हैं, बस स्कूल 6 to 8 होना चाहिए। एनजीओस भी चलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स भी चलेंगे, नॉर्मल लेवल के प्राइवेट स्कूल भी चलेंगे, हायर लेवल के प्राइवेट स्कूल भी चलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कूल किसी भी तरीके का हो, सब चलेगा, लेकिन स्कूल 6 to 8 होना चाहिए, बस इतना ज़रूरी है। और जो आप सर्टिफिकेट अपने लिए बनवा रहे हो, वो उस स्कूल के लेटर हेड पर होना चाहिए, यही ज़रूरी है, और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आई होप गाइज, यहाँ पर आप लोगों के सारे क्वेश्चन के अब आंसर मिल गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट अभी भी रह गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।